हाँ जी, रश्मि शर्मा। ये हम लोग तो अस्पताल में थे, हमारी बहू जो है वो उसका ऑपरेशन हुआ तो बहू अस्पताल में भर्ती थी, तो हम और लड़का अस्पताल में थे। और हम सुबह आए तो यहाँ पर देखा कि हमारे घर का ताला टूटा, दरवाज़ा खुला हुआ, और अंदर देखा अंदर सारा सब ताले टूटे हुए पड़े हैं और सारा सामान बिखरा पड़ा है और सारा जेवर और नकदी सब गायब। तो घर में सुरक्षा की, घर में पूरा घर बंद है, सब में ताले लगे हैं, चैनल लगा है, ऊपर जाल पड़ा है, और फिर भी पता सब नीचे से ताले तोड़े हैं, एक भी ताला नहीं छोड़ा है, सब किवाड़ों की लकड़ी टूट गई, सारे कुंडे टेढ़े हो गए हैं सरिया से, और एक उनके पास वो था टंकी का पाइप, उससे तोड़ा है सब, और सब बिल्कुल कुछ भी मौजूदा हालत में ताले वाले मिले हैं सब टूटे हुए, और जेवर सब गायब है, और नगद 55-60 हज़ार रुपये नगद थे, बहू के ऑपरेशन की वजह से हमने रखे थे, कुछ रिश्तेदारों से भी लिए, कुछ अपने भी डाकखाने फाकर से निकाले हमने कि भाई ऑपरेशन में क्या पता कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, क्या कंडीशन हो जाए, क्या ज़रूरत पड़ जाए, तो आज रखे पैसे इकट्ठे, तो कुछ अस्पताल ले गए, कुछ घर रख गए थे, जेवर ऐसे होगा लगभग में 10-12 तोले सोना, और चांदी के थे, और चांदी के उसके बर्तन वर्तन भी थे, जैसे चांदी की थलिया है, गोला, चांदी की एक गाय है, ये हमारा मणिनाथ नेकपुर लगता है, दुर्गा गली है ये। हाँ, FIR कराई है अभी। हाँ, वही पुलिस वाले आए थे, दरोगा जी आए थे, अब वो थाना प्रभारी वगैरह जो भी हैं, अब वो लोग आके और ले गए होंगे तहरीर लिख के, उन्होंने तो मतलब ये कहा कि भाई कार्रवाई करेंगे। घर में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि बहू हॉस्पिटल में थी, तो मैं और मेरा लड़का, मेरी बहू, हम तीन ही लोग हैं अपनी फैमिली में, तो हम तीनों लोग ही अस्पताल में थे, बहू एडमिट थी, इसलिए हम दोनों माँ बेटे वहीं थे अस्पताल में, तो घर अकेला था, घर में कोई नहीं था, ताले लगे हुए थे।